जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं बांदा से एक खबर की ओर। प्रदेश के जनपद बांदा के जिलाधिकारी को सूचना मिली कि शहर के मवई गांव के पास कई गोदामों में नकली खाद बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है। तभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम लेकर मवई के 3 गोदामों में छापा डाला, जहां उन्हें 3 गोदामों में से लगभग 2500 बोरी नकली खाद व खाद बनाने की सामग्री बरामद हुई। मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी ने 3 गोदामों को सील करवा दिया व जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सूचना पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अभी कई गोदाम बंद हैं, उनको भी खुलवाकर जांच की जाएगी। फिलहाल 3 गोदामों को सील करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। बांदा से संवाददाता राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में, हमारे बांदा जनपद में किसान परेशान है खाद के लिए। पुलिस लाठी चला रही है किसानों के ऊपर, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार में पूरे जितने अधिकारी हैं मिली भगत से खाद बेची जा रही है। और बड़ा अच्छा हुआ जो अधिकारियों ने खाद नंबर 2 की पकड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, वो समय से उनको खाद मिले, क्योंकि बुआई का समय है, जुताई का समय है, तो उनको खाद मिले। ये नकली धंधा जो करने वाले हैं, सरकार के शरण में जो पल रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये मवई बुजुर्ग में और इस स्थान पर, ये तुम्हारी रोड पर है महादेव पेट्रोल पंप के सामने, यहाँ पर छापा मारा गया हमारे अधिकारी ने, एडिशनल चीफ साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट ने, जिला कृषि अधिकारी ने। तो यहाँ ये पाया कि यहाँ तो पोल्ट्री फीड और डॉग फीड के अलावा कुछ और मटेरियल मिला है। पैकिंग मशीन है, खाली बोरे रखे हुए हैं। तो वो तो भी जांच में पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। मवई बुजुर्ग में 3 गोडाउन मिले हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर बनाने का नकली फर्टिलाइजर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। मैटर अभी वो संदिग्ध है, तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या है। तो अभी हम इन सबको सील कराए दे रहे हैं और इसके बाद में फिर इसकी जाँच करा करके और इसका लैब से परीक्षण करके पता चल पाएगा। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। अगर सर कितनी मात्रा में पकड़ा गया है? मात्रा लगभग 2500 बोरी मवई बुजुर्ग में 3 गोडाउन में है, और यहाँ भी कुछ गोडाउन अभी बंद है, लेकिन यहाँ भी भारी मात्रा में है। करीब 1000 के आसपास बोरी तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ गोडाउन बंद है। वो खुलने के बाद सर क्या कुछ जानकारी मिली, कहाँ से कुछ लाते थे लोग, खाद कैसे बनाते थे, क्या कुछ पूछताछ में समझ गए? अभी तो जांच का उससे पता चलेगा। सर क्या किस तरह से किसानों के लिए नुकसानदायी थी खाद, क्या दिक्कत है? जांच हो जाए, मटेरियल की लैब में परीक्षण हो जाए, तब पता चल पाएगा।